मन ना एक छोटा सा बच्चा होता है जिसकी जिद के आगे हम घुटने टेक लेते हैं। जैसे बच्चे होते हैं उनकी हर बात हमें माननी पड़ती है, वैसे ही मन भी होता है। लेकिन कभी कभी हम बच्चों के साथ सख्ती बरत लेते हैं। जब उनकी हर जिद नहीं मानने वाली होती है तो हम सख्ती बरतते हैं और उन्हें ना कहते। तो फिर मन को क्यों नहीं, हमें मन को भी वही बातें बोलनी है। जब मन गलत डायरेक्शन में जाए तो उसे हमें ना कहना है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि मन को वश में कैसे करें, क्योंकि अगर हम सारा काम मन के अकॉर्डिंग करते चले तो बस हमारे सारे काम पेंडिंग हो जाएंगे, हम गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो इसलिए हमें अपने मन को वश में करना आना चाहिए, जानना जरूरी। तो वेलकम टू रंगनी जिंदगी, शेयर हैप्पीनेस विद पूरी। क्या आप जानते हैं कि शरीर की अधिकतर समस्याएं मानसिक समस्याओं से जुड़ी होती हैं? जी हाँ, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे मन से जुड़ी होती है लेकिन हमें पता नहीं चलता। धीरे धीरे वो शारीरिक समस्याओं में कन्वर्ट होती चली जाती है। आज हम आपको उन्हीं समस्याओं से रूबरू कराते हैं और उनका उपाय भी बताते हैं। चलिए, मन से जुड़ी कुछ शारीरिक समस्याओं की बात करें तो सबसे पहले माइंड में आएगा तनाव, टेंशन। टेंशन क्यों होता है? जब हमारी बात कुछ मानी नहीं जाती या जब हमारे अकॉर्डिंग कोई काम नहीं होता तब हम टेंशन में आते हैं। हमें टेंशन तो हो ही जाती है लेकिन यही धीरे धीरे टेंशन बढ़ के डिप्रेशन का कारण बनती है, इसलिए हमें टेंशन तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। दूसरा, डायबिटीज। डायबिटीज कब होती है? जब हम टेंशन लेते हैं। जब हम टेंशन लेते हैं तो हमें डायबिटीज हो जाती है। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो मीठा भी नहीं खाते तब भी उन्हें डायबिटीज हो जाती है। ऐसा कैसे? क्योंकि वो टेंशन लेते हैं, तनाव। इसीलिए टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तीसरा, मोटापा। जब हम टेंशन ज्यादा लेते हैं तो हम खाते भी ज्यादा है। कुछ लोग तो बहुत ज्यादा खाने लगते हैं, ओवर ईटिंग करने लगते हैं टेंशन की वजह से। उन्हें टेंशन होती है और वो ज्यादा खाने लगते हैं, तो वो भी एक कारण है। ऐसी कई बीमारियां हैं जिसका सीधा संबंध हमारे मन से होके हमारे शरीर पर असर पड़ता है। इसलिए शारीरिक प्रॉब्लम्स को अगर दूर करना है तो हमें सबसे पहले मानसिक समस्याओं को दूर करना होगा। मन से जुड़ी ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स शारीरिक तौर पे तो आती हैं, साथ ही व्यवहारिक तौर पे भी आ जाती हैं। यानी हमारे व्यवहार में भी बहुत सारे उथल पुथल होने लगते हैं। हम अगर टेंशन में हैं, गुस्से में हैं, तो वो सब हमारे व्यवहार में भी दिखेगा। जैसे गुस्सा जल्दी आना, टेंशन में है तो हम चिड़चिड़े बहुत जल्दी हो जाएंगे, दूसरों से व्यवहार ठीक से नहीं कर पाएंगे, हम गलत लत के शिकार भी बन सकते हैं, हम किसी भी चीज पे जल्दी रिएक्ट करेंगे। इसके अलावा हमें दूसरी चीजों से डर जरूर लगेगा, जैसे किसी को स्विमिंग से डर लगने लगेगा, किसी को किसी चीज से। इस तरह से हम इन सब चीजों के भी शिकार हो जाएंगे, यानी डर के भी शिकार हो जाएंगे। हमारे व्यवहार में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। मन को वश में करना है ना तो कुछ भी नहीं करना, बस कुछ चीजों को फॉलो करना है। सबसे पहले तो ये फॉलो करना है कि आपको खुद को और मन को दो अलग पर्सनालिटी समझना है। जब आप खुद से मन को अलग करके देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि जो आप करना चाहते हैं वो आप करके रहेंगे। इसलिए खुद को और मन को दो अलग पर्सनालिटी समझिए। इसके साथ ही आप पॉजिटिव लोगों के साथ ही उठना बैठना कीजिए। जब पॉजिटिव थॉट वाले लोग आपके साथ उठेंगे बैठेंगे तो आप सब काम पॉजिटिव तरीके से कर पाएंगे, आपकी सोच भी पॉजिटिव बनेगी। लेकिन आपकी अगर सोच निगेटिव लोगों के साथ रहेगी या आप निगेटिव लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे तो ऐसी सोच वाले लोगों से दूर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमेशा आपको डाउन करेंगे या बुरी चीजें ही बताएंगे। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहिए, खुद को प्राथमिकता ज्यादा दीजिए। जब आप खुद को प्राथमिकता देंगे ना तो बस आपको लगेगा कि मैं हूँ और मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो इसलिए खुद को प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही मैं आपसे अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जाते थे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरी वीडियोस के बारे में और जो आप चाहना चाहें। तब तक के लिए चाचा बाय बाय।